इस पेड़ को देखकर या खाकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसको हम घर पर बनाए हैं। सिर्फ दूध से बहुत ही बढ़िया बिल्कुल शुद्ध पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इसको आप चाहे तो किसी पर्व त्योहार पर बना सकते हैं या जब भी आपका कुछ मीठा खाने को मन हो तो फटाफट बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो इसको एक कढ़ाई में डाल देंगे और जब दूध में उबाल आने लगे तो इस तरह से चलाते हुए और सब तरफ से छुड़ाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से चलाते रहेंगे और साइड से इस तरह से खुरचते हुए जो मलाई आएगी इसको भी दूध में डालते रहेंगे। तो लगभग 25 से 30 मिनट में दूध रबड़ी की तरह हो गया है। अब इसको कढ़ाई में इस तरह से फैलाएंगे और इकट्ठा करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर फैला देंगे और फिर इकट्ठा करेंगे। इस तरह से जब हम दूध गाढ़ा करते हैं तो जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर दूध देखिए इतना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और अगर ग्राम में देखेंगे तो लगभग 100 ग्राम चीनी मैंने यहाँ पर लिया है। वैसे मीठा आप अपनी पसंद अनुसार 1-2 टेबल स्पून कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो दूध यहाँ पर देखिए गाढ़ा हो गया है, अभी इसको और गाढ़ा करना है। तो देखिए बिल्कुल मावा जैसा बन गया है। तो इस मावे को जितना बढ़िया ड्राई करेंगे पेड़ा उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और अगर हम इससे बर्फी जमाना चाहें तो बर्फी भी आसानी से जम जाएगी। तो बस अब इसको और ज्यादा नहीं पकाना है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अभी ये काफी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद पेड़ा बनाएंगे। इस पेड़े को देखकर बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि हम इसको घर पर बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया सिर्फ दूध से ही हम आज ये पेड़े बनाएंगे और इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। तो इसको आप किसी भी पूजा पाठ या व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं और अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। अब इसमें से छोटा सा तोड़ेंगे, आप जितने साइज का पेड़ा बनाना चाहते हैं उतना तोड़ सकते हैं और इस तरह से गोल करते हुए हल्का सा प्रेस करेंगे, सब तरफ से बराबर कर लेंगे। अब आपके पास किसी चीज का छोटा सा ढक्कन है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट का ढक्कन अच्छी तरह से धुलकर फिर लिया है। तो बीच में हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और अब कोई सीख लेंगे चाहे तो टूथपिक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सब तरफ हल्का हल्का प्रेस करके इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए बिना किसी मोल्ड के बिना किसी सांचे के बहुत अच्छी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। तो मैं तो इसको हथेली पर ही इस तरह से रख के बना ले रही हूँ, लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं आप किसी प्लेट पर भी इसको रख के इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर एक ही बराबर के या एक ही वेट के पेड़े बनाने हैं तो कोई मेजरिंग स्पून या किसी छोटी कटोरी से इस डो को लेकर एक बराबर करके इसको अच्छे से प्रेस करके भर लीजिए। तो इस तरह से सारे डो को आप अलग अलग पहले सेट करके रख लीजिए और उसके बाद पेड़े बनाना शुरू कीजिए। तो बिल्कुल एक ही साइज के और एक ही वेट के पेड़े बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसी तरह से सारे पेड़े बनाकर रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसको कम से कम 5 से 6 घंटे रहने देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेड़ा किस तरह से बना है। तो लगभग 6 घंटे के बाद देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है और अब मैं एक पीस तोड़कर भी आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इसको तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल मार्केट जैसे पेड़े बने हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों आपको ये पेड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।